तो हे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह आज भी आप लोग मस्ती होंगे। सो आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग, फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग। और ऑरेंज कलर यानी कि पीला कलर कैसे दिया जाता है वो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ। सो देखिए कितना हार्ड है, स्मूथ एकदम फेस गोरा। सो आज हम करने वाले कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए मैं अपना एडिटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। सो अपने पिक को हम सेंड कर लेंगे LR यानी कि लाइट रूम ऐप में सेंड कर देंगे। तो लाइट रूम में आ जाने के बाद हमारा फोटो कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में दिख रहा होगा आपका मास्किंग का निशान, ठीक है। एक मास्किंग टॉल है, इस पर क्लिक कर लेना और इस प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। सो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा ब्रश, ठीक है। सो हमें इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है, सो बैकग्राउंड को हमें कुछ इस टाइप से इरेज करना है, ठीक है। ओनली बैकग्राउंड पे ले जाना है ऐसे करके, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से कर लेना, ठीक है। सो देखिए हमारा हो चुका है। इतना हो जाने के बाद यहाँ नीचे में दिख रहा होगा कलर का निशान, ठीक है। सो हमें इस कलर पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा एक छोटा सा बिंदु, इसको हमें इस पीले पे आ लेना, ठीक है। पीले पे आ लेना कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ नीचे में दिख रहा होगा ये वाला बिंदु, ठीक है, इसको भी पीले पे ले जाना है, ठीक है। और इतना ले जाने के बाद इसे यहाँ पे दिख रहा होगा सेचुएशन, इसको कुछ इस टाइप से 100 कर देना है, ठीक है। और इनको भी 100 कर देना है और टेंट को माइनस की ओर नहीं प्लस की ओर रखना है, ठीक है। इसको भी 100, तीनों को 100 कर देना है। और 100 करने के बाद ऊपर में दिख रहा होगा सही कंडीशन यहाँ पे, सो डन कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद देखिए हमारा फोटो कुछ स्टेप से हो चुका है, देखिए बिफोर एंड आफ्टर दिख रहा है। सो इतना हो जाने के बाद यहाँ पे लाइट दिख रहा होगा, लाइट पे आ जाना है और इनके एक्सपोजर को थोड़ा कुछ स्टेप से बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को कुछ स्टेप से बढ़ा देना है, ठीक है। और हाईलाइट को थोड़ा घटा देना है और शेडो को भी कुछ स्टेप से घटा देना है, ठीक है। और वाइट को घटा देना है, ब्लैक को भी घटा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद उसके साइड में दिख रहा होगा कलर का निशान, ठीक है। इस कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इतना हो जाने के बाद इस तीसरे वाले कलर पे आ जाएंगे और तीसरे वाले कलर पे आ जाने के बाद इनकी सिचुएशन को कुछ स्टेप से हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और हुई को अपने हिसाब से देखें, हुई को इतना ही रहने देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हरे वाले कलर पर आ जाएंगे और इनकी सिचुएशन कुछ इस टाइप से घटा देंगे, ठीक है। और हुई को भी घटा देंगे, ठीक है। और घटाने के बाद कुछ इस टाइप से इनकी ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद देखिए हमारा बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से दिख रहा है। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए दूसरे वाले कलर पर आ जाएंगे और आ जाने के बाद इनकी सिचुएशन को कुछ इस टाइप से घटा देंगे और ल्यूमिनेंस को हम कुछ इस टाइप से बढ़ा लेंगे, इतना, ठीक है। सो हमारा फेस एकदम से वाइट हो रहा है, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमें बढ़ा लेना है और उसके बाद फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे और इनकी सिचुएशन को कुछ इस टाइप से बढ़ा देंगे, ठीक है। सो देखिए सिचुएशन को बढ़ाते ही हमारे लिप्स पे कलर आ रहा है, देखिए घटाने पर जा रहा है और बढ़ाने पर आ रहा है, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से करने के बाद यहाँ से डन कर देना, ठीक है। डन करने के बाद इफेक्ट पे जाना है और क्लैरिटी को कुछ स्टेप से बढ़ा लेना है। और इतना हो जाने के बाद ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ पे शेयर का निशान, ठीक है। सो इस शेयर पे निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे दिख रहा होगा शेयर टू, तो शेयर टू पे हमें क्लिक करना है और इस फोटो को ले चलना है हम अपने पिक आर्ट में। सो फाइनली गाइस हम लोग पिक आर्ट में आ चुके हैं। तो पिक आर्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा ब्रश, ब्रश नहीं यहाँ पर दिख रहा होगा रिटच, ठीक है। इस रिटच पे हमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे दिख रहा होगा ऑटो का निशान, ठीक है। इस ऑटो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऑटो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से इस साइड आ जाना है और इस साइड आ जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा स्किन टोन, ठीक है। सो हमें इस स्किन टोन पे क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से ये वाला इफेक्ट ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑटो पे क्लिक कर देना है। सो ऑटो पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा फोटो कुछ इस टाइप से हो चुका है, ठीक है। जो भी आप फिल्टर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। सो देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो यहाँ इस वाले फिल्टर को रख लेंगे और यहाँ से हम कर देंगे डन, ठीक है।
डन करने के बाद देखिए हमारा फोटो कुछ इस टाइप से हो चुका है, फिर से डन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा टूल का निशान, टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिख रहा होगा एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट पे क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्ट्रास्ट, इसको कुछ इस टाइप से हमें बढ़ा लेना है और क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाना है, ठीक, सिचुएशन को कुछ इस टाइप से बढ़ा देना है, वीक को सही रखना है और हाईलाइट को थोड़ा कम कर देना है और शेडो को भी कुछ इस टाइप से कम कर देना, ठीक है, इतना रखना है। और उसके बाद यहाँ से कर देना है डन, ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा इफेक्ट, इफेक्ट पे आ जाएंगे और हम लोग अब फेस को स्मूथ करेंगे। फेस स्मूथ करने के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लर में चले जाएंगे और यहाँ पे दिख रहा होगा ब्लर में जाएंगे और पहले वाले ब्लर को चूज कर लेंगे, ठीक है, और इसकी थोड़ी सी घटा देंगे और यहाँ से लेकर और कुछ इस टाइप से हम लोग अपने फेस को स्मूथ कर लेंगे। सो देखिए हमारा फोटो कुछ इस टाइप से स्मूथ हो रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। सो बारीकी से स्मूथ कर लेना, ठीक है। सो देखिए कुछ इस टाइप से हम स्मूथ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है, फिर से डन कर देंगे। सो देखिए हमारा फोटो कितना अच्छा हो चुका है। तो इसमें हम एक PNG को ऐड करेंगे, तो PNG को ऐड करने के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड फोटो, ठीक है। सो ऐड फोटो पे हम क्लिक करके PNG को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो अपना हम लोग एक PNG को ऐड कर लेंगे, ठीक है, और इसको कुछ इस टाइप से लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से हम डन कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए हमारा फोटो बन चुका है, तो इसको सेव करने के लिए नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉ पे क्लिक कर देंगे और ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर में 3 डॉट होगा, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए सेव इमेज, ठीक है, सेव इमेज पे क्लिक कर देंगे। सो हमारा फोटो सेव हो चुका है। सो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू वीडियो देखने के लिए।